हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दिव्या शर्मा। आज मैं आपको बताने जा रही हूं, सोते समय अगर हमारी नस पर नस चढ़ती है, चाहे वो गर्दन की हो, बाजुओं की हो, टांगों की हो, तो हमारे शरीर में किन पोषक तत्वों की कमी है। नस पर नस चढ़ना, चाहे हम कोई काम कर रहे हैं या फिर बेवजह से किसी भी नस में अचानक दर्द होने लगता है, तो उसे नस पर नस चढ़ना कहते हैं आम भाषा में। लेकिन इसका अर्थ ये है, जब हमारी किसी मांसपेशी में अचानक जबरदस्ती सिकुड़न आ जाती है तो हमारी नस पर नस चढ़ जाती है। इसके और भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे हमारी शारीरिक कमजोरी हो गई, हम तनाव या स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं, गलत तरीके से बैठना, गलत खानपान खाना, नींद बहुत कम लेना। अब जानते हैं हमारी बॉडी में किन पोषक तत्वों की कमी से ये चीज़ें होती हैं। तो सबसे फर्स्ट है विटामिन सी की कमी। हमारे शरीर में अगर विटामिन सी की कमी हो जाए तो हमें सर्दी, जुखाम जैसी समस्याओं के साथ साथ आंखों के नीचे काले घेरे होने लगते हैं। विटामिन सी हमारी त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि ये शरीर में लचीलापन बनाए रखने में मदद करता है। विटामिन सी हमारी रक्त कोशिकाओं को मजबूत बनाने में मदद करता है, जिसके कारण हमारी स्किन हेल्दी रहती है। यही कारण है, जब हमारी रक्त कोशिकाएं मजबूत नहीं रहती, यानी हमारी बॉडी में विटामिन सी की कमी हो जाती है, तो हमारी नसें भी कमजोर हो जाती हैं और आसानी से एक के ऊपर एक चढ़ जाती है, जिसके कारण उस नस में तेज दर्द रहता है, चाहे वो एक या आधे मिनट के लिए रहता है, पर दर्द होता है। इसके लिए आपको विटामिन सी युक्त आहार लेना चाहिए, जिसमें सेट्रिक फल, जितने भी खट्टे फ्रूट्स हैं वो आते हैं, नींबू, टमाटर, पालक, फूलगोभी, ब्रोकली और हरी पत्तेदार सब्जियां, इनमें विटामिन सी काफी होता है। अगली चीज है हीमोग्लोबिन की कमी। सोते समय नस पर नस चढ़ना या कंधे की नस चढ़ना शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी को दर्शाता है। दरअसल हीमोग्लोबिन की कमी से ब्लड सर्कुलेशन सही तरीके से नहीं हो पाता, जिसके कारण अंगों की नस चढ़ जाती है। शरीर के किसी भी अंग की नस चढ़ जाने से व्यक्ति खुद को अस्वस्थ महसूस करता है। हमारी रक्त कोशिकाओं में मौजूद हीमोग्लोबिन शरीर के अलग अलग अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाता है, जो कि शरीर को चलाने के लिए बहुत जरूरी है। ये प्रक्रिया जब सुचारू रूप से नहीं चलती तो नस के ऊपर नस चढ़ जाती है, यानी हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन प्रॉपर नहीं होता, जिसके कारण खून और ऑक्सीजन का प्रवाह हमारी बॉडी में पूरी तरह से नहीं हो पाता, जिसके कारण नस पे नस चढ़ जाती है। तो हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए आपको चुकंदर, अंगूर, सेब, अमरूद, हरी पत्तेदार सब्जियां, नारियल, तुलसी, पालक, गुड़, इनका सेवन करना चाहिए। तीसरी चीज है बॉडी में पोटेशियम की कमी। अगर हमारी बॉडी में पोटेशियम की कमी हो जाए तो भी नस पर नस चढ़ने लग जाती है, क्योंकि उस कंडीशन में हमारी नसें कमजोर होती हैं, उसके बाद नस पे नस चढ़ती है। इसके लिए आपको पोटेशियम फुल फ्रूट्स खाने चाहिए, फ्रूट्स खाने चाहिए, जैसे कि आप तरबूज खा सकते हैं, केला खा सकते हैं, बीटरूट यानी चुकंदर ले सकते हैं, धनिया का पानी ले सकते हैं, जितने भी पोटेशियम वाले फूड्स हैं वो ले सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि इन तीन पोषक तत्वों की कमी से हमारी बॉडी में नस पर नस चढ़ती है, वो चाहे कंधे की हो, गर्दन की हो, टांगों की हो, किसी भी एरिया की नस पे नस चढ़ सकती है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो अपने कमेंट्स के थ्रू जरूर पूछिए, आपके हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की इन्फॉर्मेशन और उसके अपडेट्स आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बाय।